का फीचर फिल्म है जी 8 अक्टूबर को चपाल के उत्ते रिलीज होनी है वो संबंध च ये मीटिंग जी रखी है। मैं तुम दस दें कि लंका शब्द है जो थोड़ा जो लै चलिए कम आऊगा दिनों इतिहास दी गल हो रही हैं। ये लंगे शब्द है तमिल भाषा का, लंगे वो हौली हौली बिगड़ के लंका बने, यदा मतलब होंगे टप्पन जब दो पासे जो चौं पासे पानी बहता है जी थान लंगे क्या जाता है, बिगड़ के हौली हौली लंका बन जाए। जो कोई टापू या कोई थान खिता बन जाता है उसे जिते खाण पीण दिया मनुख दिन चीजा उसे राजनीति भी उत्थे उठती है। राज नीति जो राजनीति अपरेट करते हैं चलाने विचरते हैं तो मोह मुहब्बत सत्कार अदब ये चीज़ा नाल नाल चल दिया है। पर मैं एक शब्द जरूर कहना हूं कि सन्यासी ते सियासी च बहुता फर्क नहीं होता जो उन्हें काम करना मुहब्बत का परिवार का और चीज़ों का जो प्यार होता है थोड़ा सियासत चाहे किसी होर थान पर भी सरमौरता तक लैके जाता है। पर जो सरमौरता तुहाडे सामने चुनौती बनती है तो की तुहानूं वापस मोह मुहब्बत परिवार दुबारा मिलते हैं। ये जिहड़ी फिल्म है ये राज घराणियां दी राजघराने का मतलब है अज वाली गवर्नमेंट है जिवें अज के जो सियासी घराने परिवार है उन्होंने राजनीति के पिसते नौजवानों की एक रोचक भी कहूँगा तो वह कहानी है। बहुत सारे जोड़े पर्दे नहीं चुके जाते वह आर्थिक एंगल करके भी नहीं चुके जाते क्योंकि फिल्मों एक बड़ा चैलेंज है कि पिछले जिवें कोविड असी देखा कि सिनेमे कोविड पहला बंद हुए तो बाद खुले इस चुनौतियों के चलद जिहड़ियां मीनिंगफुल फिल्म है उन्होंने पैसा लाना उन्होंने खड़ना औखा होंगे पर इस फिल्म यह सेहरा जाऊगा। ये तुम कहोगे कि राजनीति के बहुत सारिया फिल्म आई गई ये वक्रा की है विकूगी तो वह चीज़ जी वक्री होगी खिलों के दाणिया तो पॉपकॉर्न तक फिर ही आई कहानी विकनी उ ना बदलना कि कुछ चीज़ा इस तरह द जिहड़ियां नौजवान पीढ़ी को जितों तक लैके जाती हैं तो उतों मुद्दे है कि वह पीस दिंदी है इस मोह मुहब्बत राजनीति की जिहड़ी पूरा तंत्र है उन्हों यह सारी फिल्म तुहाडे सन्मुख करूगी। तो बहुत सारिया चीज़ों के इस तरह दी कि पहले उसी देखिए नहीं होगियां। तो हुण मैं आर्टिस्ट है जिहड़े साडे सब तो पहले तो मेरे नाल बैठे मनदीप धमी ये फरीदकोटीए असी कहे इन्हों निहाल सिंह वाले पैदा राजनीति के जोड़ा निहाल सिंह वाला बड़ा ना जाने जाता है उन्होंने पिंड तो उठ के इतों तक आए फिल्म इंडस्ट्री के जिते इन्होंने आपकी एक्टिंग का आपका पक्ष रखे इन्होंने फिल्म प्रोड्यूस कर अपनी शमूलीयत की है। उदू अगे सरदार सोही जी इन्ह बारे तो की कह सकते खुद रंग कुछ लोग खुद रंग होंगे जिन्हों का अपना ही एक डिफरेंट रंग होंगे तो इन वास्ते होर मैं शब्द जे कह तो अतकथ नहीं खुद रंग इन्हों का वक्रा रंग है सिनेमे के थिएटर के उस बाद आते हैं साढ़े रवि पुज जे डायरेक्टर ने कहते हैं फिल्म की जी बंदा जान होंदा है ये जलूर पिंड दे ने बरनाले का वह पिंड है जिथों क्रांति उठती है जी क्रांति तुसीं अज पंजाब देख रहे हो इन पिंडा की जेडे मजारियां की लहरां ने जन्म दिता जिन्होंने हर बार सेंटर तक चैलेंज किया हर बार एक नवी गल रखी उन्होंने पिंड तो आते हैं तो इन्हें खुद लिखते हैं तो खुद इन्होंने जी फिल्म डायरेक्ट की है। उदू बाद मैं सोनिया मान से जावगा इन्हों मैं दो लोग वर्तना भी एक्टर भी ने एक्टिव भी ने क्योंकि एक्टर बहुत थोड़े होंगे जो फिल्म बनती उस बाद गायब हो जाते पर इन्होंने किसानी अंदोलन तो लैके हुण तक जिन्नी भी जो कर सकते हैं जो एक मनुख को समाज लिए करना चाहिए वो कर रहे हैं। उस लास्ट है सुरमीत ये उस थान तो आता जिते किन्नू बड़े जबरदस्त होंगे गंगा नगर तो उतों उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस कर भी हिस्सा पाया एक एक्टर भी सो सारे मैं थोड़े तो मिलाता हूँ मैं वन बाय वन कह कि अपना तजर्बा इस फिल्म बारे साझा कर सब तो पहला मैं मैं जी जिदा
जिन्ना भाजी ने दसिया एक छोटे जे पिंड शहर तो बिलोंग करते हैं सो इतों तक आए उदा सारे का सारा सेहरा मैं कहना भी मेरी टीम मेरे बड़े रवि मोहन भाजी में जाना क्योंकि जो साढ़े की चीज़ होंगी है असं अंदरों की हाँ जानना बहुत जरूरी है ना। सो मैनू मेरे डायरेक्टर ने जानिया कि असी इस चीज़ में चुकी डायरेक्टर कर सकते हैं। सो उस तो बाद जो चलो प्रोड्यूस करने का जो मौका मैं लग जाता वो बाद चाहता है पहला तुम किसी चीज़ के उत्पादन में जो एक्टर शुरुआत करते हैं सो थोड़े चाहिए जो बीज बीजा जाता है वो बीज बीजना जरूरी है। सो मेरा जो शुरुआत करवाई मेरी चीज़ के मैं रवि मोहन भाजी को कहूँगा। सो बाकी मैं इन सारे तो छोटा तो मैं चाहता सी कि पहला ये शुरू कर क्योंकि इन्हों देख देख के मैं सीखा है जी। रवि पहुंच जी ना पहला नहीं पहले दूजी आ रहा तो थोड़े दूर लगनी है उसका कारण यह है कि एक जो जमीन बाहनी शुरू करते हैं ना एक रैल मारते होंगे ट्रैक्टर तो मिल ही जाएंगे। सब तो पहला तो जी सारे सत श्रीकाल ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਾਊਗੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਸੱਜੀ ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕਾਮਰੇਡ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਯੋਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬੋਲਣ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਬ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ 5 ਜਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬਸ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ 30-35 ਘਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਏ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਘਟੀਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੋਲੀਆਂ ਜੇ ਬੰਬੇ 'ਚ 10-10,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੰਗਲੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ 'ਚ ਲਿਆਓ ਇਕਨੋਮੀਕਲੀ ਹੀ 'ਚ ਲਿਆਓ ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਮਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੱਤਾ ਬਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਦਾ। ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਖਬਰਾਂ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇੰਟਰਟੇਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਹੱਸਣਾ ਨੱਚਣਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
जो कुछ गलत हो रहा है उन्हें नंगा करने वाली भी चाहिए जो फिल्म है ये वो ही है जो राजनीति हो रहा है उन्हें नंगा करने की कोशिश बहुत बखूबी निभाई है रवि भाई ने तो अभी तो पात्र हाँ पात्र जो साढ़े सामने आ जाता है डायरेक्टर नाल बैठा हो सू थोड़ा समझाने वाला कि आपने आह आह करना फिल्म के उस तरह की फिल्म बनाई है मैं पहला भी की इन्हों पहली फिल्म वो भगत सिंह जी सोचते सी हाँ वो मैं ना इस करके नहीं लिया कि फिल्म रिलीज नहीं हुई लेकिन बहुत खूबसूरत फिल्म थी और मेरा किरदार वो ही जो रवि पहले करता कि वही नैगेटिव रोल बहुत सोहने करता वो भी मेरा नैगेटिव रोल से ये भी नैगेटिव रोल है सियासत दी नैगेटिविटी नंगी करने वास्ते तो साडे वर्गे कलाकार अगे आना पैदा चाहिए भी अगे आना फिर वास्ते ताड़ियाँ पैदा ने लेकिन जे नैगेटिव रोल करने वाले बंदे साडे वर्गे मेरे वर्गे नहीं उन्होंने वास्ते भी क्रैपिंग मतलब होनी चाहिए है नहीं बन सकती नहीं बन सकती हीरो ना बनता जे एक विलन होता ये सही गल है जे रावण जी का राम है ये लाजमी है नैगेटिविटी दूर करने वास्ते नैगेटिविटी उजागर करने वास्ते वो मैं हिस्सा पाँगा रहना हालांकि मेरे गुरु जी अकाल देवनाथ साहब उन्होंने पहला प्ले किया गंदी चादर वो भी मुड़ के यही होया कि सरदार सोई नैगेटिव रोल खेलने वास्ते उन्हों का पसंदीदा एक्टर बन गया मैं ये फिल्म इस तरह का रोल किया फिल्म बहुत सोहनी बनी है ये मैं पता बाकी सारी प्रेस का मैं धन्यवाद ही होवगा ये जो सुने है प्लीज लोगों तक पहुँचाने के साथ मददगार साबित हो मैं बहुत खुशी होगी बहुत बहुत शुक्रिया सारी प्रेस का जी मेरे मित्र बैठे ने इन्हों प्यार बहुत बहुत धन्यवाद बाकी गल जी मैं सोनिया मान जी तक गल लेके जानी है कि उन्होंने माइक दो जो कोई तकलीफ है जी दिखती है सिनेमे की स्क्रीन पर हल भी फिर ही निकलते जो कोई दिखाया जाता है पंजाबी बोली की गल करिए तो सिनेमे ने विदेशों के जिते रोजी कमा बहुत सारे लोग गए है उत्थे उन्होंने बच्चों के जिते उन्होंने अंग्रेजी स्कूल या होर थावान पर पढ़ना लिखना मतलब उत्थे पंजाबी दे माझे मालवे दुआबे के जिहड़े शब्द है जे कायम रखे तो मैं कहूँगा कि सिनेमे की बहुत वड्डी देन है बहुत सारिया फिल्मां जिवें मंजे मिस्त्रे सी जां होर फिल्मां सीगियां जिन्होंने दस्सिया भी मंजे मिस्त्रे भी इकट्ठे करदे साडा आह कल्चर है सो मैं सोनिया मान जी तक ये गल लेके जानी चाहुंदा कि बहुत सारिया कुड़ियां साडे समाज दे विच अज वी असी ये कह दिंदे आं आपां की लैणा है इन्होंने वो थावां ते जाके खड़ के गल कीती है जिथे असी लोग अखां मीच लैंदे आं कि आपां की लैणा है चाहे किसानी अंदोलन हो बहुत सारे मुद्दे हो जो कोई बोलूगा वो नैगेटिव पॉजिटिव पक्ष ता ही सामने आवे सो मैं इस फिल्म लिए भी इन्हों कह कि दो मिनट सब सत श्रीकाल सारों सब तो पहले मैं धन्यवाद कर दी हाँ प्रेस का इतने आने वास्ते थोड़ा निघा स्वागत है बाकी अच्छ भगत सिंह जी के जन्मदिन वाले दिन उन्होंने दिहाड़े से असी केक कटे है और उन्होंने जन्मदिन दिया लख लख बधाई साढ़े डायरैक्टर साहब बरनाले तो ने साढ़े सरदार सोही साहब मतलब सारी जिहड़ी साडी टीम है पूरी और इन्हों तुसी कह सकते हो एक टैलेंटेड टीम है और जिहड़े कि कुछ ना कुछ अपने सिनेमा के थ्रू विखाउणा चाहुंदे ने और ये लंका दे विच एक पोलिटिकल ड्रामा आ और जो साडी रोज़ की जिंदगी दे विच बहुत सारे वड्डे पोलिटिकल परिवारां दे विच इहो जिहा कुछ हुंदा है बट वो सामने नहीं आ पाउंदा किते ना किते वो स्टोरीज दबीआं जांदीआं ने और इहदे विच मैं नूरी दा किरदार निभा रही हाँ सोनिया मान तो बिल्कुल हट के सो क्योंकि जो एक एक्टर हुंदा है वो हमेशा कोई ना कोई किरदार निभाउंदा है वो खुद नहीं हुंदा
सो ये मूरी का जो एक सफर से बहुत वधिया सफर से बहुत मजा आया वो करैक्टर निभाते और सरदार सोही जी के नाल काफ़ी साढ़े दिलचस्प सीन ने इस लंका दे विच जिहड़े सारे इंजॉय करेंगे और मैं इंजॉय किया भी कि मेरा पहला एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का जिथे मैं इन्हें जहाँ किरदार निभाया और एक एक्टर नू हमेशा तांग होती है कि वो डिफरेंट रोल निभावे और आई होप कि तुम्हें सारे नू चंगा लगेगा और तुसी सारे पसंद करोगे और फिर तुसी उम्मीद करोगे रवि पुंज पंज तो कि वो एक होर इह जी लंका लैके आउण और सानू कलाकारां नू उहदे विच काम करन दा मौका देण। धन्यवाद। सरबीर जी कोले मैं जाना है फिर मैं तुहाडे तक कॉल है कि वो शहर तो है जिथे विटामिन सी बहुत होंदा है किन्नुआं दी दुनिया का जिथे गंगा नगर जां होर नूं मन्निया जांदा है। तुसी विटामिन सी इन्ने छक लिया सीगा कि दलेरी कीती कि जिथे हीरो उत्थे इस तरह की जिहड़ी लोक विशे नूं छोटी फिल्म ते पैसे लाउण दा भी मौका कीता। सब तो पहला सारी प्रेस का बहुत स्वागत। मैं पहली बार रूबरू हो रहा। चलो वाइटामिन सी साडे गंगानगर वाले कहते होंगे कि जेडे भैड़े भैड़ा माल आ सारा साढ़े को छड़ गए तो बाकी सारा अपने मनाली तक लग्या होंगे। हर एक असी चलो बिजनेस के भी हाँ पर जो भी बिजनेस के डाइवर्सीफिकेशन भी जरूरी है तो अगर असी सोसाइटी के नाल जोड़ दीए तो मेरा ख्याल कई बार असी जिहड़ी चीज़ सानू जरूरत है या समाज को जरूरत है उसके वास्ते कुछ कर पाइए तो यह बहुत खूबसूरत है। रवि भाजी पिंड च बैठे हैं पर मेरा ख्याल जो बॉम्बे हॉलीवुड लैवल की बंदा सोच लैके बैठा हुआ है। असी पैसे विच इन्ने सक्षम जे वे खिडारी नहीं गए क्योंकि असी इस इलाके चो कदे पैसा कमाया नहीं। जिस दिन कमावांगे उस दिन शायद इन्होंने सुपन के भी पैसे खर्चन जोगे होवांगे। तुहाडे सारयां दी सानू बहुत जरूरत है अपनियां गल्लां नू पहुँचाउण वास्ते। सोनिया मनतम्मी भाजी सोही भाजी पहली बारी मैं सियाने बंदियां नाल काम कीता ते मेरे विच भी थोड़ी सियाणा एक टाटा ने गल कही है भाई जे छे नशेड़ियां दे विच तुसी रहिंदे हो तां सत्तवें तुसी हो ते जे सत्त करोड़पतियां जे रहिंदे हो तां पक्का अठवें भी तुसी होवोगे। असी जदों दिसदे हाँ उस तो पहला जड़ां बनियां शुरू होंदियां असी जड़ां काफ़ी बना लियां उस तो बाद असी माड़े जिहे दिसणे शुरू होए जिहड़ा मेरा ख्याल असी साडा पहला पत्ता अज दिसणा शुरू होया होएगा। हर एक बंदे की पुरानी कहानी होंदी है असी कोई भी बंदा 10 साल के स्ट्रगल के बाद या 20 साल के स्ट्रगल के बाद जो दिसदा है वह भी सब भावें लुक जाते हैं पर उहदियां गल्लां च जरूर दिसदे हैं। गल्लां दा कोई अंत नहीं सिर्फ मैं लिखदा भी हाँ तो चार लाइनों के मैं दसना चाहवागा कि फर्क बड़ा है गिर के उठने और ना उठने में घोड़ा कहलाना है तो जोर चाहिए उठने में। अंदाजा है मंजिल का पर हूं रस्तों से अनजान मुझे लड़खड़ाता देख के खुश होते हैं रोज तूफान। जिसका इलाका है वो थोड़ा जोर तो दिखाएगा घुस बैठिया हूं चाहे मेरा समय तो आएगा। चला ना जब तक कोई तब तक ऊंचे थे पहाड़ वो ही बनेगा मालिक जो देगा झंडा का। मां चाहती थी मैं चोटियों को जीतूंगा जरूर और सही तो ढोकर पर हार नहीं मन। तो ये जज्बात है भाई थोड़ी थोड़ी गल्लां बहुत ज्यादा कहने की लोड़ नहीं पैंदी बहुत मजा आ रहा है सारे असी उम्मीद करते हैं कि खूबसूरत तुहाडे सब का साथ रहिंदा है ते शायद असी भी उग जाइए। थैंक यू। मैं हुण डायरेक्टर साहब तक आऊंगा तुहाडे ते दूजी वारी का वादा सी कारां ते किरदारां दी कहानी नूं तुसी आपणे सामने किवें देख रहे हो इहदे विच कारां भी वड्डियां हुंदियां ते किरदारां दी गल कीती है उत्तर तक कोई भी मैं पंजाब अज तक जवाब नहीं दिया कदे भी नहीं जिन्हें करोड़ सवा करोड़ कर्जा ना देना वह लै तो लेंदा शायद वो ये दिखाने लिए आपके ब्याह में छे महीने पहला कढ़ा लगता किश्तों में भी ये देख के करोड़ वाली दो वाली मैं वो दे देंगे साडा उत्तर दूंगा। सो ये सोचने के अभी बहुत सारे पै गए तो साड़ी फिल्मों ने भी बहुत गाइड गलत किया साडे एक्टर ने बहुत गलत गाइड किया
मैं किसी को कहना नहीं क्योंकि हले मैं कख नहीं हाँ मैं कुछ बोल पर पता की है वही कामरेड बंद क्या जाता मैं एक गल अज तक समझ नहीं आई अपनी 2024 चल रहा 22 की कोई हिट फिल्म दसो पूरे 22 की जिन्हें भी जिन्हें भी फिर भी फिल्म बन रही हैं पता नहीं क्यों बन रही अच्छा मैं जी इन गलत कंप्लीट करें मैं थोड़ा एक कितना आ रहा पैसा जी कदे तुम सोचे कदे सवाल जीता मीडिया ने देखो सर लंका टाइटल इसलिए लिया कि एक तुम दसा कि जो टापू बस जाता जितने राजनीति होंगी उदा का एक साड़ी कहानी के रावण का टापू है जिथे बह के वो सारिया साधन आपके जटा आपके स्वादा ने आपके ख्याल ने दुनिया का उदा करके अच्छा तुम उस एरिए तो आ रहे हो जिते क्रांति की गल करिए लोग कह देते हैं साधन ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਿਛੇ ਵਾਲੀ ਚੰਗੇ ਸਾਰੀ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਫਿਲਮ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ ਉਹ
ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਇੰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ 10-10 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਝੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਝੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਕਟਰ ਲੱਭਣਗੇ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਵੀ ਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੜਕਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਬਰਕਤ ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ ਸੋਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 9958635478